Hello dear students, in this video I am going to start chapter 30. The name of the chapter is Good Habits. Look it on the back book, Good Habits. So my dear students, firstly we have to know what is good habit and what is bad habit. Yes? So open your book, page number 38, chapter 30, about good habits. Okay? So my dear students, I'm going to start. You should keep eat healthy foods and get enough sleep every day. This is good habit. Yes, you should eat healthy food and get enough sleep every day. These habits will keep you healthy and help you focus on your studies. Okay, now let's see, you have tell what is correct and incorrect. Okay, पैकिंग योर स्कूल बैग द नाइट बिफोर. हमें स्कूल जाने से पहले रात में अपने बैग को क्या कर लेना चाहिए? पैक कर लेना चाहिए. यस, दिस इज गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स? दिस इज गुड हैबिट्स. नेक्स्ट, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. दिस इज गुड हैबिट. यू हैव टू विच इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट, बाथिंग वंस अ वीक. हमें हफ्ते में एक बार नहाना चाहिए. नो, दिस इज बैड हैबिट. वी शुड बाथ एवरी डे. यस, नेक्स्ट, स्लीपिंग ऑन टाइम एवरी नाइट. हमें प्रत्येक रात हर दिन क्या करना चाहिए? टाइम पे बेड पे सोना चाहिए. यस, दिस इज आवर गुड हैबिट्स. नेक्स्ट, वॉकिंग अप एटलीस्ट एन आवर बिफोर स्कूल स्टार्ट. हमें स्कूल स्टार्ट होने से पहले एक घंटे पहले ही उठना चाहिए. यस, दिस इज habits. Wasting your food, we should not waste our food. Yes, food is essential for our body, that's why we should not wasting our food. This is bad habit. Next, lying in bed and studying. हमें बेड पर लेट कर या सोकर पढ़ना चाहिए? No, this is bad habit. Next, reading a book holding it not too close to the eyes. हमें अपने बुक को अपने आंखों के बहुत पास करके नहीं पढ़ना चाहिए. यस, दिस इज बैड हैबिट. दिस इज बैड हैबिट. यूजिंग ओनली अ नेल क्लिपर टू कट योर नेल्स. हमें अपने नाखूनों को काटने के लिए ओनली नेल क्लिपर का ही यूज करना चाहिए. दिस इज बैड हैबिट और गुड हैबिट्स? दिस इज गुड हैबिट्स. नेक्स्ट, स्विचिंग ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव अ रूम. जब कभी आप अपने रूम को लीव करते हैं, आप से बाहर जाते हैं, छोड़ते हैं, देन वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स. हमें अपने रूम की लाइट्स को क्या कर देना चाहिए? स्विच ऑफ कर देना चाहिए. यस, टर्न ऑफ पेज नंबर 39. नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. आप इन सिचुएशंस में रहेंगे तो क्या करेंगे, या फिर आपको क्या करना चाहिए जब आप इन सिचुएशंस में रहेंगे, इन स्थिति में रहेंगे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिसन वेयर केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू. व्हाइल प्लेइंग योर फ्रेंड फॉल्स डाउन एंड हर्ट्स हर एंड हिज नी, विल यू डू, व्हाट विल यू डू. सपोज दैट खेलने के दौरान आपका फ्रेंड गिर जाता है और उसको नी में घुटने में चोट लग जाती है, तो आप क्या करेंगे? कंटिन्यू प्लेइंग, कंटिन्यू प्ले करेंगे, स्टार्ट टाइम, या चिल्लाना शुरू कर देंगे, या इन्फॉर्म अ ग्रोन अप इमीडिएटली, या किसी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस, इन्फॉर्म अ ग्रोन अप इमीडिएटली. नेक्स्ट, योर बेस्ट फ्रेंड हैज फॉरगॉटन टू ब्रिंग हर और हिज लंच बॉक्स, व्हाट विल यू डू. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड अपना लंच बॉक्स लाना भूल गया जाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू. टेल मी चिल्ड्रन, फर्स्ट शेयर योर लंच विद हर और हिम. आप अपने साथ उसके लंच को शेयर करेंगे. ऑप्शन बी, गिव हर और हिम ऑल योर लंच, या आप अपने सारे लंच उसे दे देंगे. पॉइंट थर्ड इज, नॉट शेयर योर लंच विद हर और हिम, या आप उसके साथ अपने लंच को शेयर नहीं करेंगे. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर ए इज फर्स्ट, शेयर योर लंच विद हिम और हर. आप उसके साथ अपने लंच को शेयर करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्लासमेट हैज स्क्रिप्ट ऑन द वॉल, व्हाट विल यू डू. सपोज दैट दिस इज अ
लायंस ने स्प्लिट कर दिया है, सो व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सो टिल ऑप्शन ए, इन्फॉर्म योर क्लास टीचर, आप अपने क्लास टीचर से इन्फॉर्म करेंगे, स्टार्ट स्क्रबिंग ऑन द अदर वॉल, या आप दूसरे वॉल पे स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देंगे, या टेल हिम आर हर इट इज़ अ बैड हैबिट एंड यू विल इन्फॉर्म द क्लास टीचर इफ सी आर हर कॉन्टिन्यूस टू स्क्राइब, या आप उसको बताएंगे कि ये गलत आदत है, ये बैड हैबिट्स है, अगर फिर भी वो इसके बाद भी नहीं मानता या मानती तब आप क्या करेंगे, अपने क्लास टीचर से इन्फॉर्म करेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन फोर, यू हैव फॉरगॉटन टू कैरी वन ऑफ योर नोट्स बुक्स टू क्लास, सो व्हाट विल यू डू, आप अपने नोटबुक को क्लास में लाना भूल गए हैं, सो व्हाट विल, भूल जाते हैं, भूल गए हैं, सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन ऑप्शन ए, टेल योर टीचर दैट यू लॉस्ट योर नोटबुक, क्या आप अपने टीचर्स को बताएंगे कि आपने अपनी बुक को खो दिया है, नोटबुक को कॉपी को, या स्टार्ट क्राइंग, या रोना स्टार्ट कर देंगे, या टेल योर टीचर दैट यू फॉरगॉट टू पैक इट एंड नाउ यू हैव टू फॉरगॉटन टू कैरी वन ऑफ योर बुक नोटबुक्स टू क्लास, व्हाट विल यू डू, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेल योर टीचर दैट यू Forget to pack it and you will not be careless again. आप अपने नोटबुक को लाना क्या कर गए, भूल गए, और आप दोबारा ऐसा केयरलेस, इट मीन्स असावधानी नहीं करेंगे. यस. नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली ब्रेक समथिंग एट होम, व्हाट विल यू डू, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, विल यू एक्सीडेंटली ब्रेक समथिंग एट होम, जब आपसे अनजाने में कोई चीज़ टूट जाती है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? ऑप्शन ए, टेल योर पेरेंट्स दैट यू ब्रोक इट एंड से सॉरी, अपने पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स दैट यू ब्रोक इट, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आपसे ये चीज़ें टूट गई हैं और उनके लिए सॉरी कहेंगे. नेक्स्ट, क्विकली थ्रो अवे द ब्रोकन पीसेस, या आप टूटी हुई चीज़ को तुरंत फेंक देंगे बिना किसी से कुछ कहे या बताए. नेक्स्ट, टेल योर पेरेंट्स दैट समवन एल्स ब्रोक इट, या अपनी गलती की चीज़ें किसी और को कह देंगे कि ये चीज़ें आपने नहीं किया या किसी और ने किया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टेल योर पेरेंट्स दैट यू ब्रोक इट एंड से सॉरी, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि ये चीज़ क्या हुई, मुझसे टूटी है और उसके लिए आप उसको सॉरी भी कहेंगे. ओके, दिस इज बैड हैबिट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो ऑन दिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू कम्प्लीट योर बुक पेज नंबर 38 एंड 39. दैट्स ऑल.